नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स। इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से, जहां जिला अस्पताल में देखने नमस्कार मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स। इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से, जहां जिला अस्पताल में दिखने लगा केंद्रीय मंत्री का असर। आपको बता दें, देश की जनता स्वस्थ रहे इसके लिए देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रयास में लगे, तो वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़े हुए थे। शहर व गांव देहात से आने वाले मरीजों व उनके तीमारदारों का जिला अस्पताल हावी दलालों की वजह से उनकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा था, जिसकी शिकायत केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से लोगों की शिकायत की गई, तो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों को जमकर फटकार लगाई, जिसका असर आज जिला अस्पताल में देखने को मिला। ये डालते रिजवानुद्दीन की इस खबर पर नजर उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले की। उसको बुला दीजिए, आप ले लीजिए, कुछ लेना हो बात करना हो करके बात कर दीजिए। ये बिल्कुल कतई नहीं, इनको जो बिस्तर क्यों नहीं दिया तो इनको लिखवाइए कौन लेटर। अरे ओपीडी का मैंने विभाग वाइज निरीक्षण किया है, उसमें देखा कि कोई अनाधिकृत व्यक्ति तो नहीं बैठते हैं, आवाजाही तो नहीं। तो मेडिसिन ओपीडी में भरत श्रीवास्तव नाम के एक डॉक्टर जो है बैठे हुए मिले, और उनका कहना था कि मुझे जो है यहाँ से 6 महीने की इंटर्नशिप की परमिशन दी गई है, लेकिन जब उनसे पूछा कि आप अपनी ज्वाइनिंग दिखाइए तो ज्वाइनिंग का कोई प्रमाण नहीं दिखा। तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? उनको तुरंत जो है हमने अभी ऑर्डर करने जा रहे हैं, उनको बर्खास्त यहाँ से कर दे रहे हैं, उनकी जो अनुमति है उसे बिल्कुल निरस्त कर दे रहे हैं। अगर अन्य चिकित्सकों के कमरे में कोई प्राइवेट लड़के मिलते हैं तो फिर आपके द्वारा क्या किया जाएगा? जी, अगर चिकित्सकों के कमरे में प्राइवेट लड़के मिलते हैं तो आपके द्वारा फिर क्या किया जाएगा? उसमें अगर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति हमको मिलेगा तो उसको तुरंत पुलिस को सूचना देके उसमें जो भी दंडात्मक कार्रवाई हो